न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। सिर्फ 6 महीने रह गए उत्तर प्रदेश के चुनावों में और उत्तर प्रदेश के अंदर खुद राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिस तरह की बेहुदा, शर्मनाक और सांप्रदायिक सियासत शुरू की है ना दोस्तों, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कल कुशीनगर में एक रैली में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले राशन सिर्फ उन लोगों को जाता था जो लोग अब्बा जान करते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे और इसका मकसद साफ है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर मुद्दों पर सियासत होगी, अगर मुद्दों पर चुनाव होगी तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। मगर जिस तरह का शर्मनाक प्रदर्शन, शर्मनाक बयान कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिया, वो समझ के परे है और वो अप्रत्याशित है। मैं चाहूंगा पहले आप उनका बयान सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को, राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। आपको याद है दोस्तों, आज से कई सालों पहले जब आदित्यनाथ सांसद थे तो उनकी मौजूदगी में उन्हीं के पार्टी या उनके दल के एक व्यक्ति ने कहा था कि मुसलमान औरतों को उनके कब्र से निकालकर उनका बलात्कार करना चाहिए। उनकी मौजूदगी में किसी ने यह बात कही थी। यह न सिर्फ इस राज्य का बल्कि इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा शख्स आज की तारीख में मुख्यमंत्री है एक राज्य का, जो इस तरह के सांप्रदायिक तौर पर असहज करने वाले, सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान दे रहा है। क्योंकि वो जानते हैं कि आज की तारीख में मुद्दों पर चुनाव हो जाए तो इन्हें 100 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। मैं खुद को दोहरा रहा हूं मगर हकीकत यही है। और कल जो हुआ ना दोस्तों, उसके सामने कपिल शर्मा का कॉमेडी शो जो है वो फेल हो जाए। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में यह विज्ञापन छपा। यह विज्ञापन क्यों छपा मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। यह विज्ञापन जिसमें बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश किस तरह से तरक्की कर रहा है, मगर इसकी हकीकत यह थी कि इसमें नीचे जो ये दो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, एक तस्वीर है एक फ्लाईओवर की जो कि कोलकाता में है और दूसरी तस्वीर है एक फैक्ट्री की जो अमरीका में है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास विज्ञापन तक के लिए अपनी कोई तस्वीर, अपनी कोई विकास की तस्वीर नहीं है दिखाने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए विज्ञापन के लिए, मगर जो असली तस्वीरें हैं, जो आपकी पोल खोल रही हैं, जो सही मायने में विज्ञापन है उत्तर प्रदेश की, वो तस्वीरें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिरोजाबाद का वीडियो है। यहां पर बेबस मां बाप को देखिए, अपने हाथों में अपने बच्चों, अधमरे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं। डेंगू से त्राहिमाम मचा हुआ है। यह तस्वीर आपका विज्ञापन है, देखिए वीडियो। शाम को दिखाए गए सिरप पकड़ा दी, कल दिन में दिखाए गए सिरप पकड़ा दी, चेकअप क्यों नहीं करवा रहे? जब बच्चा को 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा था, टहला देते हैं यहाँ से, कराएंगे क्या फायदा होगा? चलो हैं क्या कहते हैं, खाने का लेटरी करने आ रहा, खाना लेटरी करके क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, कोई आराम नहीं है, आराम नहीं है, छाती में दर्द है, टरी करा ला तू, टरी क्या करेंगे भाई, जाकर जाएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामने लगातार उभर कर आ रही हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस बेबस बुजुर्ग महिला की तस्वीर देखिए, अमर उजाला की तस्वीर है। अस्पताल में बुखार से पीड़ित बच्चे को भर्ती न कर पाने पर रोती वृद्धा, यह है आपकी तस्वीर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। दूसरी तस्वीर देखिए, पीड़ित बोले 700 रुपए में मोबाइल गिरवी रखकर खरीदी दवाएं, ये आपकी तस्वीर है, आपके राज्य की तस्वीर है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। इस तस्वीर में देखिए, ये औरत बेबसी से रो रही है क्योंकि वो जानती है कि अपने बच्चे को बचा पाना उसके लिए कितना नामुमकिन है। यह है तस्वीर मौजूदा उत्तर प्रदेश की। यहां देखिए, एलएलआर अस्पताल में नवजात को गोद में उठाकर जांच के लिए ले जाता पिता, जागरण की तस्वीर, यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। आगे देखिए, बच्चों को जिला अस्पताल परिसर में इस तरह से तीमारदार परेशान होकर पर्चे और दवाओं के लिए भटकते रहते हैं। देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपके सामने बेबस इस मां की तस्वीर जो रो रही है। यह तस्वीर आज की तारीख में विज्ञापन है आपके नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश चल रहा है। और बात यहां नहीं रुकती, कुछ और तस्वीरें देखिए दोस्तों। नाती को गोद में लेकर आंसू बहाता रहा वृद्ध, 2 घंटे बाद मृत घोषित। परिजनों का आरोप, अगर पहले देख लेते तो बच जाती जान, शव लेकर पैदल ही निकल पड़ा वृद्ध। कुछ और तस्वीरें देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? तो याद दिला दूं, जब कोरोना काल था तब इस तरह से हिंदुओं को मजबूर होकर गंगा के घाट पर अपने परिजनों की लाशों को दफनाना पड़ा था, क्योंकि आपने तो सांप्रदायिक उन्माद की घोषणा कर दी है। एक तरह से सांप्रदायिक उन्माद आपने छेड़ दिया है। आप अब्बा जान की बात कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कि आप हिंदुओं तक को नहीं बचा पाए। ये तस्वीरें देखिए, घाटों पर इस तरह से लाशों को दफन किया गया है। और उस वक्त मुझे याद है आपका प्रशासन घाटों का वीडियो, घाटों की तस्वीर लेने से मना कर रहा था। यह तस्वीर देखिए, रातों रात हाथरस में जब एक लड़की का बलात्कार होता है, रातों रात आपने उसका शव जला दिया। उसके परिवार को भी उसके अंतिम संस्कार में मौजूद रहने का आपने हक नहीं दिया। यह तस्वीर देखिए, विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, इसने उत्तर प्रदेश के मेरे 8 जवानों को शहीद कर दिया, उनमें से एक शहीद डीएसपी, गिड़गिड़ाता रहा आपके सामने कि विकास दुबे की मिलीभगत थाना के एक प्रभारी से, आपने उसकी बात नहीं सुनी। और बाद में जब विकास दुबे को आपने पकड़ लिया और जब वो आ रहा था तो उसका रास्ते में एनकाउंटर भी हो गया, क्योंकि अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो न जाने कितने सफेद पोशों के राज सामने उभर कर आ जाते। ये तस्वीर आपका विज्ञापन है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये तस्वीर आपका विज्ञापन है। आप इससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं बताइए? बाद में क्या होता है दोस्तों, अचानक इंडियन एक्सप्रेस उस विज्ञापन के लिए, जिसमें कोलकाता का एक फ्लाईओवर दिखाया गया, अमेरिका की एक फैक्ट्री दिखाई गई, उसमें इंडियन एक्सप्रेस माफी मांगता है। आपके सामने उनका माफीनामा, अ रॉन्ग इमेज वॉज इनएडवर्टेंटली इंक्लूडेड इन द कवर कोलाज ऑफ द एडवर्टोरियल ऑन उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस्ड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। द एरर इज डीपली रिग्रेटेड एंड द इमेज हैज बीन रिमूव्ड इन ऑल डिजिटल एडिशंस ऑफ द पेपर। इंडियन एक्सप्रेस माफी मांग रहा है कि गलती से हमने ये 2 तस्वीरें लगा दी थी। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप विज्ञापन देना चाहते हैं तो ये 4th बिंदु साफ तौर पर बता रहा है कि जो विज्ञापन देता है वही तस्वीरें मुहैया कराएगा, कंटेंट मुहैया कराएगा। तो सवाल यह है कि इस माफीनामे में क्या इंडियन एक्सप्रेस गलत बयानी कर रहा है? झूठ तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई इंडियन एक्सप्रेस में तो रामनाथ गोयनका की विरासत की पत्रकारिता है ना, जिसने 1975 के आपातकाल के दौरान अपनी रीढ़ नहीं झुकाई थी। और मुद्दा उससे भी बड़ा है, जब भी कोई विज्ञापन दिया जाता है किसी अखबार में, क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसे पर्सनली अप्रूव करते हैं? यानी कि वो देखते हैं कि भाई कौन सा विज्ञापन कहां जा रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने देखा नहीं था कि जो विज्ञापन आप इंडियन एक्सप्रेस में दिखा रहे हैं उस विज्ञापन में कोलकाता की तस्वीर है, उस विज्ञापन के अंदर अमेरिका के एक फैक्ट्री की तस्वीर है? यह जल्दबाजी क्यों?
आप जानना चाहेंगे ना कि ये जल्दबाजी क्यों, तो आज मैं आपके सामने वो राज पेश करने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पर यह है विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। इन्हें हटा दिया गया, अचानक हटाया गया, और 6 महीनों में ये 5वें मुख्यमंत्री हो गए बीजेपी के किसी स्टेट के, किसी राज्य के, जिन्हें अपने पद से हटा दिया गया। और उनकी जगह ये व्यक्ति भूपेंद्र पटेल आज की तारीख में मुख्यमंत्री है। तो जैसे ही यह घटनाक्रम होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यालय के अंदर हलचल मच जाती है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बैठक होती है अपने अधिकारियों के साथ कि हमें राज्य को ही नहीं बल्कि देश को यह संदेश देना है कि बेशक उत्तराखंड के अंदर, कर्नाटक के अंदर, गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री हटाए जा रहे हों, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य पर हमारी पूरी पकड़ है, यहां पर राज्य में तरक्की हो रही है, हमें यह संदेश देना चाहिए। और आनंद फानन में, जल्दबाजी में इन्होंने तमाम अखबारों में विज्ञापन दे दिए, और इसी आनंद फानन के चलते इन लोगों ने इस विज्ञापन की चेकिंग नहीं की, जिसके अंदर कोलकाता के फ्लाईओवर का जिक्र था, जिसमें अमेरिका की एक फैक्ट्री दिखाई जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का सिर्फ एक हथियार है, प्रचार, प्रचार और प्रचार। अखबारों का इस्तेमाल करो, न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करो अपनी छवि को बेहतर दिखाने के लिए, और उसी के चलते यह गलती हो गई। मैं आपको बता दूं, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने आपके स्क्रीन पर? अभी तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार के कामों को ही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपना बता बताकर झूठा प्रचार कर रही थी, पर अब तो झूठ की हद ही हो गई जब वो कोलकाता की तस्वीर को अपने विकास की तस्वीर बता रहे हैं। भाजपा को झूठे प्रचार की ट्रेनिंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खोल लेना चाहिए, कह रहे हैं अखिलेश यादव। क्या कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा आपके स्क्रीन पर? इनका काम ही है झूठे विज्ञापन देना, फर्जी लेखपाल बनाकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का झूठ बोलना, और अब फ्लाईओवर वह फैक्ट्रियों की फर्जी तस्वीरें लगाकर विकास के झूठे दावे पेश कर रहे हैं। ना जनता के मुद्दों की समझ है और ना ही उनसे कोई सरोकार है, बस झूठे विज्ञापन और हवाई दावों की सरकार है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सिर्फ प्रचार का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ पिछले 4 सालों में उन्होंने प्रमाणित किया है कि एक मुख्यमंत्री के दिल में जो संवेदना होती है ना, वो बिल्कुल नहीं है। यह उनके उस बयान से समझ आ जाता है। फिर से सुनिए उस बयान का यह छोटा सा हिस्सा कि 2017 से पहले सिर्फ उन्हें राशन मिलता था जो अब्बा जान करते थे। सुनिए। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो भुखमरी से घिरा हुआ है, गुर्बत से घिरा हुआ है, तो इस दावे की अगर हम पड़ताल भी करें तो वो झूठा ही साबित होगा। यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक बार फिर वही हिंदू मुस्लिम का सहारा लेकर वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जीत सिर्फ इसी रास्ते के जरिए हासिल की जा सकती है जब माहौल में सांप्रदायिक उन्माद हो और कुछ रहस्यमय चीजें भी हो रही हैं। 2 मिसाल देना चाहता हूं मैं आपको। सबसे पहले यह खबर आपके स्क्रीन पर, एक मंदिर के सामने मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं। अब सामान्य तौर पर अगर वो लोग ना पकड़े जाते जिन्होंने ये मांस के टुकड़े फेंके थे, तो ये प्रचार चलाया जाता कि मुसलमानों ने मांस के टुकड़े फेंके हैं। मगर ललन टॉप की ये खबर पढ़िए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों ने मांस के टुकड़े फेंके उनके नाम क्या हैं? आपके स्क्रीन पर, मुजफ्फरनगर के जौला गांव में एक मंदिर के पास मांस के टुकड़े फेंकने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। स्थानीय युवक राकेश, उसकी पत्नी कुसुम, भाई राजेश और उसकी पत्नी अनारकली को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। राजेश, कुसुम, ये सब नाम क्या बतलाते हैं? यह आपको बहुत रहस्यमय नहीं दिखता? क्योंकि अगर ये लोग ना पकड़े जाते,
अगर इनके राज सामने उभर कर नहीं आते तो जाहिर सी बात है इसको लेकर इलाके में फिर एक सांप्रदायिक जहर फैलाया जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 150 सीटें हैं और किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी की वहां हालत बहुत खराब है। बीजेपी जानती है कि जब तक 2013 या उसके जैसा माहौल वहां पैदा नहीं होगा उसके लिए जीत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर रहस्यमय मदद भी मिलती है कुछ महानुभवों से। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना चुनावी अभियान शुरू करते हैं और किस शहर से? अयोध्या से। मगर यहां पर एक विवाद को जन्म दिया जाता है। आप जानते हैं दोस्तों 2018 से फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, मगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जानबूझकर उस जगह को अयोध्या ना बताकर फैजाबाद बनाती है और इस मुद्दे को लेकर भाजपा जो है वो बवाल खड़ा करती है। और यही नहीं, जब ओवैसी वहां मौजूद होते हैं तो जो पूरी गोदी मीडिया है अपने दो दो तीन तीन कैमरास जो हैं ओवैसी के पीछे लगाते हैं। कहने को आज की तारीख में अखिलेश यादव उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, मगर पूरी कोशिश है माहौल को ओवैसी वर्सेस आदित्यनाथ बनाया जाए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया जाए। और बात यहां नहीं रुकती है, खबर देखिए। यहां पर ओवैसी कह रहे हैं कि बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया गया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कुछ हफ्तों पहले या कुछ सालों पहले आपको कोई जख्म दिया हो तो क्या कुछ महीनों या कुछ दिनों बाद आप उस जख्म को कुरेदने लगेंगे, नोचेंगे? नहीं ना, आप चाहेंगे कि वो जख्म भर जाए। मगर यहां पर ओवैसी आकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया गया, यानी कि माहौल को फिर से भड़काओ और उनके खिलाफ फिर FIR भी दर्ज कर दी गई। बात यहां नहीं रुकती, कुछ ही महीनों पहले अलीगढ़ के अंदर दलितों की बारात एक मस्जिद के सामने से जा रही होती है। AIMM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक नेता नाजिम अली उस बारात को रोकता है, जाने नहीं देता है, कहता है कि मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, दलितों की बारात नहीं जाने दी जाएगी। यह सब क्या बतलाता है? क्या इन तमाम मुद्दों पर ओवैसी ने कोई भी टिप्पणी की? क्या इस रहस्यमय किरदार पर ओवैसी प्रकाश डालने का की जहमत उठाएंगे? तो मैंने कहा ना, जब तक माहौल सांप्रदायिक नहीं होगा तब तक भाजपा जानती है कि उनके लिए जीत असंभव है। आपको याद होगा हाथरस में जब उस गुड़िया की मौत हुई थी, बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया था, तब इनके प्रशासन ने उसे बलात्कार मानने से इनकार कर दिया था। और फिर इनकी पोल किसने खोली? CBI ने इनकी पोल खोली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दिल के अंदर कितना दर्द है अपनी राज्य की जनता को लेकर। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र के साकीनाका में एक लड़की का बलात्कार होता है, एक ऐसा बलात्कार दोस्तों जिसको सुनकर जिससे पढ़ने के बाद मेरी रूह तक कांप गई थी। इस बलात्कार ने हमें याद दिला दी जो निर्भया के साथ दिल्ली में हुआ था। मगर क्या यह शख्स उद्धव ठाकरे ने उस परिवार पर निशाना साधा? नहीं। आपको याद होगा हाथरस में क्या हुआ था। क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मीडिया पर निशाना साधा? आपको याद होगा सिद्दीक कप्पन, ये शख्स आपके स्क्रीन्स पर, जब ये हाथरस जा रहे थे उसको कवर करने के लिए, तो इन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया। ये आज तक जेल में बंद हैं। क्या किसी पर FIR दर्ज किया गया? क्या किसी पीड़ित पर? जबकि आप जानते हैं हाथरस में क्या हुआ था। यही नहीं, राजस्थान में भी जब कोई क्राइम होता है तो मुख्यमंत्री गहलोत आकर उस पर अफसोस जताते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस मुद्दे पर कार्रवाई करूंगा। यही नहीं दोस्तों, यही काम हेमंत सोरेन ने किया है, यही काम भूपेश बघेल ने किया है, जब वो अपनी गलती को मानकर इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाते हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब यह नहीं कि हम इन मुख्यमंत्रियों को लॉ एंड ऑर्डर के लिए कटघरे में खड़ा ना करें। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो शासन है, उनका जो प्रशासन है, वो पीड़ितों को टारगेट करता है, उनके परिवारों को टारगेट करता है।
ये फर्क है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उन तमाम मुख्यमंत्रियों की के बीच में जो अभी अभी जिनका जिक्र मैंने अभी अभी आपके सामने किया। और जैसे मैंने कहा ना, इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर है। दरअसल दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चल पड़े हैं। और मैं आपको कुछ मिसाल देना चाहता हूं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक 3 हफ्तों के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों का मसीहा बताएगी और एक लंबा चौड़ा अभियान शुरू करने वाली है। 5 करोड़ पोस्टकार्ड्स लोगों के घरों में भेजे जाएंगे जिसमें लिखा होगा थैंक यू मोदी जी। यानी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में होती है तो वो इस तरह का प्रचार अभियान शुरू करती है। एक और मिसाल देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम पैरा ओलंपिक्स में रोशन किया था उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मैं आपको इस वीडियो का सिर्फ 1 मिनट दिखाना चाहता हूं। इस 1 मिनट में आपको यह बात समझ आ जाएगी कि यहां पर सम्मान उन खिलाड़ियों को नहीं दिया जा रहा है, यहां पर सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप देखेंगे कि खिलाड़ी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। यही नहीं, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इसमें कह रहे हैं कि आप लोग आभार प्रकट कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चलिए यह तो मैं मान सकता हूं कि अगर अनुराग ठाकुर यह कहें कि आप प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लें, क्योंकि प्रधानमंत्री बुजुर्ग हैं, 71 साल के होने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे आशीर्वाद लेने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, मगर आभार प्रकट कीजिए। यानी कि जीत हमारे खिलाड़ियों ने हासिल की है, जौहर हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया, मगर आभार व्यक्त कीजिए प्रधानमंत्री का। सुनिए, देखिए ये वीडियो। मैं चाहता हूं कि हमारे मेडलिस्ट एक एक करके आए, आपसे मिले, आपका आभार प्रकट करें और आप अपना आशीर्वाद दें। बधाई हो। और ये नई बात नहीं है। जब ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी जीत कर आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तब क्या हुआ था? तब भी एक बहुत बड़ा शाहकार बनाया गया था, एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाया गया था और उसके अंदर भी फोकस पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था, हमारे खिलाड़ियों पर नहीं था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद को हर जगह दिखाने का प्रयास करते हैं, यही तकलीफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को है। मगर दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने एक चुनौती है कि मुझे फरवरी मार्च में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं उसमें जीत हासिल करनी है और उस जीत को हासिल करने के लिए वो उस तरह के बेहुदा बयान दे रहे हैं जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था कि 2017 से पहले राशन तो सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो अब्बा जान करते थे। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। आप 2022 भी जीत जाएंगे, 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी जीत जाएगी, मगर आपके स्तर पर यानी कि मुख्यमंत्री के स्तर पर जिस तरह से समाज के अंदर आप जहर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी भी चिंता है आने वाली पीढ़ियों की, कि आपको थोड़ी सी भी चिंता इस बात को लेकर है कि आप हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों के नसों में किस तरह का जहर प्रवाहित कर रहे हैं, किस तरह से उनकी नसों में इस जहर का इंजेक्शन दे रहे हैं, कि आपको थोड़ी सी भी परवाह है? सच तो यह दोस्तों कि अब्बा जान के भाव को शायद वही समझ सकता है जो खुद अब्बा जान रहा हो। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।